कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं। आज किसानों और सरकारों के बीच 5वें दौर की बातचीत होनी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे किसानों के साथ एक विशेष बैठक की जानी है। मुझे उम्मीद है कि किसान सकारात्मक सोचेंगे और अपना आंदोलन समाप्त भी करेंगे। किसानों के मुद्दे पर शनिवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। आज किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक होनी है। इससे पहले एक बड़ी मीटिंग सरकारी मंत्रियों द्वारा रखी गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं किसान के आंदोलन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार का किसान एमएसपी और एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है। अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ हमें देना जरूरी है। आपको बता दें कि सिंघू और चंदी लामपुर पियाओ मनियारी मंगेश बॉर्डर बंद किए गए हैं। NH-44 दोनों तरफ से बंद है। ट्रैफिक पुलिस से अनुरोध किया है कि यात्री कोई वैकल्पिक रास्ता चुने। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि यात्री सफियाबाद सबोली NH-8 भोपरा अप्सरा सीमा पेरीफेरल एक्सप्रेस के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग चुन सकते हैं।